जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे अपना ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फ्लिपकार्ट ऐप में आ चुका हूँ। ऐप में आने के बाद आपको अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। आपको वहाँ सारे ऑर्डर्स की डिटेल दिखेगी, जो आपको कैंसिल करना है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे मेरे को इसको कैंसिल करना है, इस ऑर्डर को, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का। अगर आप ये कैंसिल करोगे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करके, तो ये बता रहा है कि आपको जो डील मिली है वो दोबारा ना मिले शायद। तो मैं जैसे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये आपसे रीज़न पूछेगा, तो मैं रीज़न बताऊँगा, रीज़न फॉर कैंसिलेशन। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो, अगर इसमें कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा रीज़न, तो आप लिख सकते हैं माई रीज़न आर नॉट लिस्टेड हेयर। आप उस पर क्लिक करके अपना रीज़न यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल कंफर्मेशन आपको दिखेगी। कैंसिल कंफर्मेशन के बाद आप अपना ऑर्डर की रिफंड की जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कैंसिल दिखने लग गया ऑर्डर, आप ऑर्डर डिटेल में जाके देखेंगे और आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिफंड की जानकारी मिल जाएगी। अगर ये आपको जैसे ग्रीन में दिख रहा है, मैंने ब्लर कर रखा है, अगर ये ग्रीन में दिख रहा है तो रिफंड सक्सेसफुल हो चुका है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड आपका उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी, या आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी तो क्रेडिट कार्ड में आपका डायरेक्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपके काम की होगी। जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी वीडियो आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।